What's up, survivors? केली शो में आपका स्वागत है, जहां हम इस पैच अपडेट के कोर फीचर्स और सभी जरूरी जानकारी के बारे में बताएंगे। हमारे पास बताने के लिए बहुत सी चीजें हैं, तो चलिए शुरू करें। आप प्लेयर्स की फायर आर्म अचीवमेंट्स वाली जगह को कैसे देखना चाहेंगे, जहां आप इसे सेलिब्रेट कर सके? चलिए स्वागत करते हैं वेपन लीडर बोर्ड का। आपके रीजन के हिसाब से कोई रैंक गेम जीतने पर आपको मैच में इस्तेमाल की जाने वाली गन्स के लिए कॉम्बैट पॉइंट्स मिलते हैं। हाईएस्ट कॉम्बैट पॉइंट्स पाने पर आपको बोर्ड के टॉप पर एक ग्रैंड डिस्प्ले मिलेगा। आपकी रैंक दूसरे प्लेयर्स को कई जगह दिख सकती है, जैसे कि गेम के अंदर और बाहर। क्योंकि हम इस टॉपिक पर हैं, यहाँ वेपन एडजस्टमेंट्स को जल्दी से देखते हैं और अपने चमकीले सीजनल इनाम को क्लेम करना ना भूलें। गोल्डन मैक 10 बैटल रॉयल के लिए मिड गेम ऑब्जेक्टिव्स को साफ करने के प्रयास में हमने लॉक किए गए आर्सेनल्स को हर मैप में जोड़ा है। हाई लेवल लूट को जल्दी एक्सेस करने के लिए मैप को एक्सप्लोर करें और कीज को सर्च करें। अब आगे है व्हीकल एडजस्टमेंट, या यूं कहें, हमने देखा कि व्हीकल्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनका मैक्स एचपी बढ़ाया और सभी तरह की जगहों के लिए मोबिलिटी बढ़ाई और बदले में टैक्टिकल एक्सप्लॉइट से बचने के लिए उनके डैमेज को कम किया। इसके अलावा हम बैटल कार्ड फीचर को बैटल रॉयल मोड तक बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब प्लेयर्स अब स्क्रीन लोड करने के दौरान अपने कस्टमाइज्ड बैटल रॉयल स्टैट्स और प्ले स्टाइल्स को दिखा सकते हैं। बैटल मोड ऑप्टिमाइजेशंस के साथ साथ हम क्वालिटी ऑफ लाइफ में कई सारे सुधार लेकर आ रहे हैं, जैसे कि हमने इन गेम कॉम सिस्टम को एक्सपैंड किया है। गेम के दौरान कभी भी प्लेयर्स अपने साथी को क्विक मैसेज भेजने के लिए कॉम्स की को अपनी सराउंडिंग्स और ऑन स्क्रीन इंटरैक्टिव बटन पर ड्रैग कर सकते हैं। इसके अलावा टीममेट एक्शंस जैसे हेल्प बाय ज्यादा साफ तौर पर दिखाई देती हैं। मैच के बाद फ्रेंड रिकमेंडेशंस को भी उसके हिसाब से एडजस्ट किया गया, ताकि फ्रेंडली प्लेयर्स को प्रायोरिटाइज किया जा सके। हमें पता है कि बैटल प्रिपरेशंस में बदलाव करना परेशानी भरा हो सकता है। हर स्किल को चुनने और बदलने के लिए कैरेक्टर पेज और पेट पेज पर अलग अलग जाना पड़ता है, और इसके साथ एक स्टैंड अलोन लोड आउट पेज भी है। समस्या से निपटने के लिए वन स्टेप ऑल एनकंपासिंग लोड आउट सिस्टम आ गया है। इस पैच में प्लेयर्स को दो प्रीसेट पेज दिए जाते हैं, जहां वो अपने पसंदीदा स्किल्स को सेट और लोड आउट को एडिट और सेव कर सकते हैं। और यदि आप अनश्योर हैं, तो आप हमेशा पॉपुलर पिक्स के लिए रिकमेंडेशन पेज की मदद ले सकते हैं। आगे एक नया फीचर जो आपकी स्किल पूल को दुगना कर देता है। लेवल 6 तक पहुंचने पर डायनामिक ड्यूओज एक दूसरे के साथ परमानेंट कैरेक्टर स्किल्स शेयर करने के प्रिविलेज को अनलॉक करते हैं। ये कुछ दोस्त बनाने और कुछ रुपए बचाने का वक्त है। आखिर में बिग हेड्स वापस आ गए हैं और वो पहले से कई ज्यादा बेहतर हैं। एक दुश्मन को एलिमिनेट करने से आपको एक बफ मिलता है और साथ ही हेड साइज भी बढ़ता है। दूसरे शब्दों में आपको एक आसान टारगेट बनने की कीमत पर बेहतर आंकड़े मिलते हैं और सोने पर सुहागा। रिवाइवल पॉइंट्स की वजह से प्लेयर्स अब एलिमिनेट होने के तुरंत बाद बैटल में वापस आ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आखिर तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सभी डिटेल्स के लिए हमारे पैच नोट्स देखें। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, तो नीचे लाइक सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय।